उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के ब्लॉक रतनपुरा ग्राम कड़ौड़ा में प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री न होने से न बच्चे बढ़िया से पढ़ पा रहे हैं न अच्छा से खेल पा रहे हैं। विद्यालय के किनारे रोड और नहर है, बच्चे बार बार डरते रहते हैं कि कभी कोई गाड़ी टक्कर न मार दे, जिसके कारण हमें हमारे साथ कोई हादसा हो जाए या हम कोई किसी एक्सीडेंट का शिकार हो। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? हम पढ़ लिख कर मास्टर बनना चाहते हैं। हमारे स्कूल में बाउंड्री ना होने से पेरेंट्स गुरु इस बाउंड्री में भूसा उसे दबा देते हैं और वो भूसा हम लोग क्लास में आता है। हम लोग गेंद बैट खेलते हैं तो गेंद बैट बॉल खेत में चली जाती है तो खेत वाले गाली देते हैं और बोलते हैं और वो चाहते हैं कि चारों ओर से बाउंड्री हो जाए। हमारे विद्यालय में वर्तमान सत्र में 73 बच्चे हैं। हमारे विद्यालय में लगभग सुविधाएं ठीक हैं, विद्यालय भी अच्छा है, 5 कमरे हैं हर बच्चों को बैठने के लिए अलग अलग कक्षा को, और रसोईया के लिए रसोई घर भी बना हुआ है, शौचालय है बच्चों के लिए। हाँ, यहाँ एक समस्या है, बाउंड्री वाल जो है नहीं है। खेल का मैदान भी है यहाँ पे, बाउंड्री वाल के न होने से बच्चों को बड़ी समस्या होती है, बच्चे प्रायः इधर उधर घूमने चले जाते हैं। हमने लिखित जो है दिया है, ब्लॉक स्तर के अधिकारी को दिया है, जिले पर भी दिया है, लेकिन अभी तक बाउंड्री वाल हमारे यहाँ बन नहीं पाया। बाउंड्री न होने से सर बहुत ही समस्याएं हैं, जैसे हम विद्यालय पीरियड में कक्षा में हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसी समय मान लीजिए गांव के पशु यहाँ गिर्द गिर्द में चर रहे हैं सब, और वो चरते चरते हमारे फील्ड के हमारे बरामदे तक आ जाते हैं, उसके वजह से पठन पाठन में भी दिक्कतें आती हैं, स्वच्छ विद्यालय रखने में भी दिक्कतें आती हैं। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा, इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। शिक्षा अधिकारी का नंबर है 9453004107 पर फोन कर दबाव डालें और हमारा सहयोग करें। मैं सतेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से, इंडिया अनहट के लिए।